सावित्री जिंदल बनी एशिया की सबसे अमीर महिला, चीन की अरबपति को छोड़ा पीछे। नमस्कार, मैं सुबानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत देश की महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, वहीं अब एक और भारतीय महिला ने अपने नाम के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर भारत को गौरवान्वित किया है। ये महिला सावित्री जिंदल है, जिन्होंने चीन की बिजनेस टाइकून महिला यांग हुआयन को पछाड़ते हुए एशिया की सबसे अमीर महिला बनने का गौरव हासिल किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में चीन की बिजनेसमैन यांग हुआयन को भारत की सावित्री जिंदल ने पीछे पछाड़ दिया है और पहले नंबर पर अपनी जगह बना ली है। सावित्री जिंदल की कंपनी के पास $11.3 बिलियन की संपत्ति आंकी गई है। सावित्री की कंपनी मेटल्स और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काम करती है। सावित्री ने जिस चीनी महिला को पीछे छोड़ा है, वो यांग पिछले 5 सालों से एशिया की सबसे अमीर महिला रही हैं। यांग हुया अब एशिया की सबसे अमीर महिला नहीं है, क्योंकि चीन की संपत्ति संकट ने देश के डेवलपर्स को प्रभावित किया है, जिसमें उनकी कंट्री गार्डन होल्डिंग्स कंपनी भी शामिल है, जो चीन के संपत्ति क्षेत्र के तेजी से विकास को दर्शाती है। इस साल उनकी संपत्ति आधी से कम यानी $11 बिलियन हो गई है। गौरतलब है कि 72 वर्षीय सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला हैं और करीब 1.4 अरब आबादी वाले देश में उनका स्थान 10वें सबसे अमीर व्यक्ति में शुमार है। वे अपने पति संस्थापक ओपी जिंदल की 2005 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मृत्यु के तुरंत बाद जिंदल समूह के अध्यक्ष बनी। कंपनी भारत में स्टील की 3री सबसे बड़ी उत्पादक है और सीमेंट, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में भी काम करती आई है। धन्यवाद। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल हापुड़ हलचल।